एक ऐसी नदी की कहानी जिसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। आखिर कौन सी नदी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान बृहत्तर हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान पर है, जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। इस नदी का नाम काली माता के नाम पर पड़ा, जिनका मंदिर काला पानी में लिपुलिख दर्रे के निकट। से होते हुए अंत में कन्नौज में जाकर गंगा में मिल जाती है। मेरठ समेत सभी शहरों और कस्बों का शहरी और इंडस्ट्रियल कचरा इसी में डाला जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की इस रिपोर्ट के अनुसार इस नदी के पानी में अत्यधिक मात्रा में सीसा, मैग्नीज व लोहा जैसी भारी तत्व एवं प्रतिबंधित कीटनाशक अत्यधिक मात्रा में घुल जाते हैं। अब इसका पानी किसी भी प्रयोग के लायक नहीं है। इसके पानी में इतनी भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बची है जिससे कि मछलियां व अन्य प्राणी, रहने वाले जीव जिंदा रह सके। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। काली के आसपास के इलाकों का भूजल इतना खतरनाक है कि इसके चलते ग्रामीणों को कैंसर, पेट संबंधी, दिल संबंधी व दिमाग संबंधी बीमारियों से ने घेर लिया है। साथ ही पुरुषों की पौरुषता व महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार नदी की कुल लंबाई में से एकत्र किए गए सैकड़ों नमूने की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इन सैंपल में सीसा, क्रोमियम, लोहा, कॉपर व जिंक आदि तत्व पाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर नगर जनपद के चिरौड़ा, याहियापुर व जमट, मेरठ जनपद इत्यादि जगहों पर बहुत सारे गाँव नदी के प्रदूषण से बुरी तरह से ग्रस्त है। रिपोर्ट के अनुसार मेरठ और जाजाबाद क्षेत्र के आसपास 30 से 35 मीटर नीचे तक की गहराई में भारी तत्व व सीमा से अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।
और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।